अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि एक देश दूसरे देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक दूसरे को कई तरह के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कई तरह की ट्रेड डील साइन करते हैं, डिफेंस डील्स होती हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में एक दूसरे को कई तरह की छूट दी जाती हैं ताकि सामने वाले देश के साथ संबंध अच्छे बने रहें और लॉन्ग टर्म में फायदा हो। ये चीजें भारत, चाइना, रशिया से लेकर अमेरिका यानी दुनिया का हर छोटा बड़ा देश अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज के गोल को साधने के लिए करता है। भारत ने भी कई देशों के साथ ऐसे करार किए हैं जो स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ऐसे ही एक एग्रीमेंट भारत ने जापान के साथ साल 1963 और साउथ कोरिया के साथ 1973 में किया था, जिसके तहत भारत इन दोनों देशों को आयरन ओर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट देकर हर साल डिस्काउंटेड प्राइस पर सप्लाई करता था। पिछली सरकारों ने उस समय ये एग्रीमेंट इस अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए थे कि भारत इन दोनों देशों की स्टील मिल्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर आयरन ओर सप्लाई करता रहेगा, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर्स बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों देशों की स्टील मिल्स भारत में भारी निवेश करेंगी। लेकिन अगर पिछले 50 से 60 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जो उम्मीदें इस एग्रीमेंट से लगाई जा रही थी वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई और कोई बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट ना ही जापान और ना ही साउथ कोरिया से देखने को मिला। वहीं भारतीय सरकार भी एज अ गुडविल जेस्चर हर 3 सालों के बाद इस एग्रीमेंट्स को दोबारा से रिन्यू कर देती थी और भारत से डिस्काउंटेड प्राइस पर आयरन ओर इन दोनों देशों को सप्लाई होते जा रही थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट टाइम भारतीय सरकार ने ये एग्रीमेंट साल 2018 के अप्रैल महीने में रिन्यू किया था, जो कि मार्च 2021 तक वैलिड था। वैसे देखा जाए तो हैं तो जापान और साउथ कोरिया भारत के मित्र देश ही, लेकिन दिक्कतों का ये सामना करना पड़ रहा था कि भारत में खुद आयरन ओर की कमी के कारण अपनी स्वदेशी स्टील मिल्स लगातार बंद होते जा रही थी, जबकि सरकारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जापान और साउथ कोरिया को डिस्काउंटेड प्राइस पर आयरन ओर धड़ल्ले से एक्सपोर्ट कर रही थी। मगर अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतीय सरकार ने जापान और साउथ कोरिया के लिए ये सेवा बिल्कुल बंद करने का निर्णय कर लिया है। दरअसल फाइनेंशियल एक्सप्रेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने जापान और साउथ कोरिया के साथ इस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को इस बार रिन्यू नहीं किया है, जिसके बाद अब भारत से इन दोनों देशों को जो डिस्काउंटेड प्राइस पर आयरन ओर की सप्लाई की जा रही थी वो बिल्कुल रुक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2021 के बाद से ही इन दोनों देशों के इस एग्रीमेंट के तहत आयरन ओर का कोई भी कंसाइनमेंट सप्लाई नहीं किया गया है। वहीं भारतीय सरकार के इस कदम से स्वदेशी स्टील मेकर्स बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि भारत में ऑलरेडी आयरन ओर की भारी शॉर्टेज चल रही थी, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में स्थित कई स्टील मिल्स पिछले कुछ समय से लगातार बंद होते जा रही हैं, जबकि हमारे देश की पब्लिक सेक्टर की सरकारी कंपनियां जापान और साउथ कोरिया को लगातार डिस्काउंटेड प्राइस पर आयरन ओर बेच रही थी। वैसे अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भारतीय सरकार के इस फैसले से जापान और साउथ कोरिया के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, तो उनको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यापार अपनी जगह और स्ट्रेटेजिक संबंध अपनी जगह, क्योंकि ये दोनों ही देश चाइना के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जबकि व्यापार के मामले में दोनों ही देशों ने चाइना के साथ कई तरह के ट्रेड डील्स और एग्रीमेंट साइन किए हैं। अगर ये दोनों देश अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना के साथ इस तरह की ट्रेड डील्स और एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, तो फिर भारत को अपनी डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री की कीमत पर इन दोनों देशों को ये फेवर देता रहे। पहले खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, तभी तो दोस्ती भी निभा पाएंगे। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या जापान और साउथ कोरिया के साथ ये एग्रीमेंट खत्म करके मोदी सरकार ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।